नमस्ते, कैसे हो सभी। शिशु वाटिका में 12 व्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक व्यवस्था है प्रयोग। प्रयोग में भी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में प्रयोग बताए थे, घुलनशील अघुलनशील, डूबने तैरना, भारी हल्का के बारे में ज्ञान बताया था। आज मैं आपको जैसे कि ये देखिए, इस ये भी एक तरह का प्रयोग है। ये जैसे कि ये है सोलेबल फाइबर। सोल्युबल फाइबर यानी जैसे कि हम कोई खाते हैं, भोजन करते हैं तो वो हमारे पेट में पचता है नहीं। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, अधिकतर ऐसे ही खा तो लेते हैं पर फटाफट खा के उसको गिट लेते हैं, जिससे क्या वो गिट लेते हैं। कोई टॉफ़ी है या कोई बीज है या कुछ, तो वो जाके पेट में क्या करता है, वो घुलता नहीं है ना। तो इससे क्या, जैसे ये है सोल्युबल फाइबर। जैसे कि अब ये हरी सब्जी है पत्ता गोभी, ये भी क्या होता है, अगर हम इसको उबालते हैं या फिर तो उससे क्या वो पेट में अच्छे से पाचन शक्ति से पच जाता है ना। वैसे ही इन सोलेबल फाइबर जो नहीं जाके घुलते पेट में, जैसे कि ये है बादाम, बादाम है, बीज है, मटर है, ये सब उसी टाइम नहीं घुलते हैं। जैसे कि अब ये ऑरेंज था, ऑरेंज तो क्या रस होता है, उसी टाइम पानी बन के चला जाता है। विच सोल्यूशन डिस सॉल्व इन वाटर, जैसे शुगर है, शुगर पानी में घुल जाती है और फ्लोर वो पानी में नहीं घुलता, क्योंकि वो आटा होता है। जैसे गेहूँ है तो गेहूँ का वो बीज है, उसी का आटा बनता है, वो अगर हम पानी में घोलेंगे तो वो नहीं घुलता है। और जो शुगर है, चीनी है, वो अगर हम उसको पानी में घोल लेंगे तो वो आसानी से घुल जाती है। ये है देखिए हमन बॉडी पार्ट्स। बच्चे को दिखाना है, चार्ट दिखा के या कार्ड के माध्यम से दिखा सकते हैं हम। ये है देखिए बॉडी पार्ट्स नेम, सारे बॉडी हैं। बच्चे को खुद की बॉडी के ऊपर बता सकते हैं कि इसमें हेड कौन सा है और आईज कौन सी है। हाँ, ये है माउथ, माउथ है और साथ में टिथ, टिथ है ना, कैसे रंग के होते हैं, वाइट रंग के। ये क्या है, हैंड, हैंड के है ना, हैंड है क्या है ये, हैंड। ये है फुट, फुट ठीक है। और ये है क्या है ये, हाँ नोज, और ये ईयर, और वो फिंगर है ना। तो ये बच्चों को बताना है कि ये नोज है, ये फिंगर है, ये सारे। ये भी देखिए ये है, अब देखो आईज को आईज से मैच करना है। देखो आईज है, आईज की स्पेलिंग EYE, आई यानी आंख, इसमें आंख कहाँ, ये री। हेड HEAD, हेड यानी सिर। EAR, ईयर यानी कान। MOUTH, माउथ यानी मुंह। HAND, हैंड यानी हाथ, ये भी हाथ है। फिर है LEG, लेग यानी पैर। फिर FOOT, फुट यानी ये जो नीचे वाले पैर होते हैं ना वो। नी, KNEE, नी यानी घुटना। LIPS, लिप्स यानी होंठ। NOSE, नोज यानी नाक। ऐसे करके हम उसको मैच करवा सकते हैं और अच्छे से हम उसको ध्यान में बता सकते हैं कि कौन सी आईज है, कौन सी नोज है, आईज की स्पेलिंग क्या होती है, नोज की स्पेलिंग क्या होती है, हेड की स्पेलिंग क्या होती है, से हम सब बता सकते हैं उसको। देखिए जैसे ये भी एक भैया है। अब इसके हेयर कहाँ है, HAIR, हेयर यानी बाल है ना, और आई यानी आँख, और EAR, ईयर यानी कान, और आईब्रो EYEBROW, आईब्रो यानी जो बोहें होती हैं। फिर ये क्या है, स्टोमक यानी पेट। हाँ, लेग LEG, लेग, लेग यानी पैर। KNEE, नी यानी घुटना। HAND, हैंड यानी हाथ। MOUTH, माउथ। ये सारे क्या हैं, बॉडी पार्ट्स नेम। इसको स्लेट पे बच्चे को लिखवाना भी है, साथ साथ में उसको पहचान भी करवानी है। और अभिभावक महोदय से निवेदन है कि जो भी प्रयोग करवाते हैं उसको अच्छे से खुद ही ज्ञान उस बच्चे को करवाएं और साथ साथ में बॉडी पार्ट्स नेम भी करवाएं। धन्यवाद।